मेरा भरा है कि पता कहती वीडियो बना के कहती जरा सू कुछ कर लो कहीं बेचा जिंदी हिम्मत ने कहती रोक के विखावे कहते पुलिस हाँ मेरा सका भरा एक ही मेरा भरा है अगू कहती करोगे की पुलिस साडे कहते बंदे बने हुए कहते इसने पैसे दे के साडे की लैणगे पुलिस मेरा छोटा भरा सिर्फ हस्पताल बनाया ने हस्पताल टीकियां जोगा है जिन्हें किसी मुल नहीं पाया ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਸਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੇਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਮਨੋ ਚਿੱਟਾ ਜਿਆਦਾ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਤੜਾ ਤੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਔਰ 3-4 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ 3-4 ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੋਜ ਲਗਾਤਾ ਉਸਕੀ ਨਾੜ ਮੈਂ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ छोड़ जाती रास्ते में ही कम से कम 50,000 रुपया महीने बाद ये ले जाते हैं इनसे और गांव में कम से कम 15-20 है जो नशा बेच रहे हैं समेका अपना चिट्टा गांजे सारा कुछ इत चलिया खड़ा है समाचार देख रहे हैं मैं हूँ एलडी स्वामी और आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर गांव कुत्ताबड़ में है और विषय इतना गंभीर है आप देख सकते हैं ये परिवार है यहाँ पर चीखे हैं माताओं की और इनके जो बहनें हैं माताओं की चीखें हैं और वो चीखें जो है किसने निकाली है वो भी हम आपको बताएंगे और हम आपको बता दें कि हमारे सिरसा ज़िला में किस तरह से नशा जो है हमारे समाज को और हमारे समाज के नौजवानों को खाए जा रहा है और बारी बारी से एक एक करके जो है उनको किस तरह से मौत के मुँह में धकेल रहा है और आज फिर एक जो है नौजवान इस नशे की गर्त में जाकर और मौत के मुँह में चला गया और ज़्यादा उम्र नहीं 16 से 18 साल का नौजवान जो है आज चिट्टे ने उसकी जान ले ली और हम कुत्ताबड़ में हैं बातचीत करेंगे ग्रामीणों से हमारे साथ ग्रामीण हैं और आप देख सकते हैं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नौजवान हम कह सकते हैं कि पंजाबी में कहें तो मुछ पुट गबरू जिसको चिट्टा जो है खा गया और किस तरह से चिट्टा हमारे समाज में फैला हुआ है हाल ही में मुख्यमंत्री की रैली हुई थी ओडा में जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माना था कि नशा फैला हुआ है लेकिन अभी तक कोई स्थायी उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं और जब तक उपाय ढूंढ पाएंगे तब तक न जाने कितनी जानें इस तरह से चली जाएगी और जो नशा जो है किस तरह से हमारे सिरसा ज़िला में फैला हुआ है हर रोज़ कहीं ना कहीं से एक जो है मौत की सूचना मिलती रहती है और लगातार इस तरह से नशे से मौतें हो रही है और लगातार नशा जो है समाज की जड़ों को खोखला करता जा रहा है और कुत्ताबड़ गांव में आज एक नौजवान को इस तरह से जो है नशे ने खा लिया और उसने जो है घर के बाथरूम में इंजेक्शन लगाया था और इंजेक्शन लगाने के बाद जो है बाथरूम में ही उसकी डेथ हो गई और हम कुत्ताबड़ गांव में इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरा गांव यहां पर एकत्रित है बातचीत करेंगे और हाल ही में विधानसभा का जो मानसून सत्र हुआ था वहाँ डवाली के विधायक अमित सिहाग ने जोर पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया था ये उस नौजवान के पिता है और देख सकते हैं इनकी हालात आप देख सकते हैं इनका जो बच्चा है वो इस नशे ने अपनी मौत के मुँह में समेट लिया ये हमारे से कितनी उम्र थी इनका
16 साल का मुंडा सीगा। हाँ जी, पढ़िया लिखा सीगा? नौ पढ़िया। मतलब किस तरह से अपने गांव में नशा फैला हुआ है कि आपका भी बेटा जो है वो मतलब नशा इतने बहुत ही फैला, बहुत ही ऐसी कुछ एक गल कह ही नहीं सकते। गोलियां, समेका, अपना चिट्टा, गांजे, सारा कुछ इतने चलिया खड़ा है। ये आप इनके हालात देख सकते हैं क्योंकि जवान बेटा हम कह सकते हैं कि इनका नशे ने जो है ख़त्म कर दिया। और किस तरह से गांव में, शहरों में जो है इस तरह का नशा, हर तरह का नशा जो है। और ग्रामीण हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। जी जी भाई साहब, इतना नशा फैला हुआ है आज अपने गांव में भी, एक बहुत बुरा हादसा हम कह सकते हैं, नौजवान को जो है चिट्टा खा गया, क्या कहना चाहूँगा? मैं तो यही कहना चाहना जी, सारा पिंड दे विच नशा विकी जांदा जी, गोलियां देंदे ने, जा उन्हां नूं इह धमकियां होर देंदे ने भी सानूं तां कोई कर नहीं सकदा कुछ भी, इत्थों लै जांदे ने फड़ के ते अद्ध विचाल जाके छड्ड देंदे ने, असीं पैसा दे के छड्ड के दिंदे सानूं, ते इधर टिब्बे वाले छड्ड दो तीन करके जिहड़े छरेआम ही वेचे जांदे ने, असीं मिन्नतां करियां उन्हां दीआं जी। ये जो एक तो चिट्टा है और दूसरी गोली, ये बहुत खतरनाक है, जो भी एक बार डोज लगाता उसकी नाड़ में जो लग गया समल वो ख़त्म है। जो भी पुलिस आती यहाँ ये रुपये लेके छोड़ जाती रास्ते में ही, कम से कम 50,000 रुपया महीने बाद ये ले जाते हैं इनसे, और गांव में कम से कम 15-20 है जो नशा बेच रहे हैं। तो पुलिस को कहते हैं पैसा दिया और बस कोई नहीं सुनवाई यहाँ गांव की। तो एक दिन 5-7 दिन के पहले बात है, मैं वहाँ रेड लगाता हूँ और मेरे पास एक हमारे रिश्तेदार आया, उसने भी इसी तरह मरया, मेरे पास आके वो मरया। क्या कहना चाहोगे, इस तरह नशा बिक रहा है सरेआम जनाब? इस तरह जी, एक गोली आँदी है कोई 10 रुपए की और ये 100 रुपए की गोली बेच रहे हैं, और जिहड़ी छोटी पीढ़ी है जी, ये 14-15 साल का बच्चा है जी, जिहड़ा मतलब भी इस नशे पिछे लग गया जी, एक गांव वाले बेचते हैं जी, बड़ी दुख की बात है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं, इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए जो बेचते हैं। और प्रशासन बड़ी बारी कहता, कमेटियां बनाती, लेकिन धोखेबाजी फिर भी स्कूल पीणों नहीं हटते जी, स्कूल भी चिट्टा पीती जाते हैं, हरेक थान के उत्ते मतलब उन्होंने जिते भी मड़ी लुका छुपी मिलती है उत्थे बैठ के चिट्टा पीते हैं, गोलियां के टीके लाते हैं। साढ़े पिंड कम से कम 10 मौत हो गई जी इसे काम के बच्चे, और बड़ी दुख की बात है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता जी। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए है, तो पता भी ये गोलियां बेची जाते हैं, इन्होंने ले जाके इन्हें कार्रवाई करने, इन्होंने अंदर ठोकने, जवान बच्चा मर गया जी, ये मतलब आपके लालच पिछे लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। सारा नाश हो रहा पिंड का, साढ़े पिंड मतलब भी कोई जवान पीढ़ी जिन्हें कोई मुंडा बचा हुआ शायद दे बचा हो जाए, खास करके राय सिखा यही बेचते हैं, ज्यादा मौत भी इन्होंने हो रही है जी, बड़ी दुख की बात है जी। है तो परिवार है, पिंड है जी, पिंड के बच्चे ने, पिंड का परिवार है जी, तो बड़ी दुख की बात है जी। हाँ, इस तरह से गाँव में नशा सरेआम बिकना, और बाकी गाँव वालों ने बताया है, प्रशासन का किस तरह का रवैया है इसको रोकथाम के? प्रशासन का तो कई बार फोन भी कर दिया जी, यहाँ ऐसे हो रहा है, अभी के देखते हैं, डिप्टी साहब को कई बार फोन कर दिया, कोई सुनाई नहीं लेता, कभी पुलिस गेड़ा नहीं मारा, कभी नहीं बिल्कुल कोई पुलिस नहीं आती। बट गांव की बात करें तो हम कितना एक मान सकते हैं कि नौजवान इसके गर्त में है, इसमें लगभग कुछ एक बचे, पूछो कि बचे कितने हैं? बचे कितने हैं? हाँ, कुछ एक ही है जो बचे हैं, और लगभग हमारे जो इस एरिया के लोग हैं वो तो लगभग सारे ही है, ठीक है, कुछ एक परिवारों के बच्चे हैं जिन्होंने अपने थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है, तो फिर भी मान सकते हैं कि आप ये मानो 56% या 55% ये इसके गिरफ्त में है, और प्रशासन का रवैया बिल्कुल माइनस ही मानो कि उन्होंने कभी किसी बात पर गौर नहीं करी, और अब भी देख लो फोन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर प्रशासन किसी को पकड़ भी लेता है तो कुछ ही पलों के बाद वो उनको छोड़ देता है। तो हम सारी क्या सरपंच साहब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहोगे? जैसे शिक्षा, शिक्षा का मंदिर है स्कूल, आपने कहा कि स्कूल के अंदर भी सिरंजे हैं, तो वहाँ अगर इस तरह के नशा है तो कैसे आने वाली पीढ़ी को कैसे बचा पाएंगे? ऐसे जी, कल असी स्कूल दे विच उत्थे पींदे सीगे, सानू मास्टर ने फोन किया, असी गए उत्थे जाके उन्होंने पकड़िया मुंडिया नूं, उहदा मोटरसाइकल खोसिया जी, मोटरसाइकल लैके मास्टर तो भज गए जी, फिर बाद में सामने नहीं आए जी, मोटरसाइकल साढ़े पास खड़े जी, जदों आउणगे उन्होंने तो कार्रवाई करवाऊंगे बिल्कुल जी। और ये जिहड़ा है जी, सारा सिस्टम बिल्कुल गलत हो रहा है जी, जदों की BJP की सरकार आई है ना, सच्चाई मनो चिट्टा ज्यादा आई उदों दा, असी सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, पर जदों की BJP की सरकार आई ना, चिट्टा तो इन्ना कर्म वाले ने लैंदा जी, और तड़ातड़ मौत हो रही ने, अजय 15-20 दिन तक मौत हुई सी छप्पड़ के, उस तो बाद काली का मुंडा गुजर गया,
एक गुजर गया और तीन चार होर तैयार ने जी। हाँ तीन चार नंबर लगने वाले, एक हफ्ता नहीं कढ़नगे। और प्रशासन के हाथ जोड़ के बेनती है बई ये कार्रवाई नशेड़ी जो बेचते हैं इन्हों रोको, और जो नशेड़ी इन्होंने चक के अंदर छिटन जी या किसी कोई नशा मुक्ति केंद्र से छड़े जे असं सहयोग करेंगे जिन्ना हो सकता जी अ कर सकते हैं। अरे नशा बंद नहीं होगा तो दर पर दर मौत होंगी रहेगी जी। ये हमारे साथ ग्रामीण थे जिन्होंने अपनी वेदनाएं अपना दर्द जो है इस समाचार पर रखा और प्रशासन को इस तरह का माहौल देखते हुए सख्त से सख्त कदम उठाकर जल्द से जल्द इन जो नशा के जो तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब नौजवान की इस तरह से लाश उठाई जाएगी, क्योंकि नशा जो है समाज को दिनों दिन खाए जा रहा है और दिमक की तरह खाए जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये परिवार है, इसकी जो चीखे हैं वो इसके कह सकते हैं कि जो नशा फैला हुआ है हमारे सिरसा ज़िला में उसमें आप नौजवान की माँ की हालत देख सकते हैं किस तरह से जी साड़ी जेब विच नशा विच नाले कह रहे ने असी रोकण गए सी 15 दिनों गए सी आवाज उठाई सी उन्होंने क्या साड़ी पुलिस जेब विच और साडा कुछ मर्जी कख नहीं बिगाड़ सकती डीएसपी असी डीएसपी तक भी जावांगे असी हुण इस दी लाश नु असी चढ़ा असी अग नहीं लगावांगे असी जिन्ना चिर साडा मुल ना इस पिंड दा पिया बच्चे नौजवान मर गए असी बहुत लाशां चक लईआं ते जनानियां लेडियां साडे गल पै गईआं लोकां ने मोटरसाइकिल साडे उत्ते चढ़ा दित्ते गड्डियां साडे उत्ते चढ़ा दित्तीआं लोकां ने ते उल्टा कहंदे ने असी इस जनानियां नु मार देवांगे जेड़े हत्थ खड़ा करदीआं ने ये नशे नु रोकदीआं ने बर्बादी वास्ते इन्हां नु असी मार देवांगे असी इन्हां दे बच्चां दे राह रोकणे चालू कर देवांगे ते साडे वास्ते साडी सुनाई कीती जाणी चाहीदी इस वीडियो च जी। ये माताएं थी, इनका आप दर्द समझ सकते हैं और इन्होंने जो है आरोप लगाया है कि जो नशा बेचने वाले हैं वो इनको डराते हैं धमकाते हैं और इन्होंने कहा है कि जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कोई अगर आवाज़ उठाता है तो वो उनका आवाज़ को कुचलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है पुलिस प्रशासन है वो इनकी जेब में रहता है और ये एक बहुत बड़ा कलंक कह सकते हैं प्रशासन पर जो कि इन्होंने लगाया है। और हाँ जी की कह मौके से गोलियां लियांदियां ने ते उन्होंने क्या साडा कख नहीं बिगाड़ सकदे। गांव की बेटियां हैं उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से फैलाओ क्या कहना चाहोगे इस तरह से। बस ऐसी तो उन्होंने बस पकड़वाना है हमको गल की मेरा भरा है ऐसी का साडे करे आके पता कहंदी वीडियो बना के कहंदी जेड़ा सानू कहंदे कुछ कर लोकां दे वास्ते एवें ही बेचांगे जिंदी हिम्मत ने कहंदी रोक के खावे कहंदे पुलिस। हां मेरा सक्का भरा सीगा एक ही मेरा भरा है अगो कहंदियां तुसीं करोगे की पुलिस वाले साडे कहंदे बंदे बने ने कहंदे इसदे पैसे दे के साडे की लैणगे पुलिस वाले बच्चे तुरी मेरा छोटा भरा सी सिर्फ ते इन्होंने यही किया जाता उन्होंने को टॉफी लैन जाता सीगा तो उन्होंने गोलियां पकड़ा दीतियां गोलियां ला के वेख तुम्हें लगे पता नशा लग गया फ्री देन लग गए पहला हूँ पता लग गया लग गए हम चोरियां कर लग गए चीजा हम देन लग गए तो मुकती गल है हूँ खुश ने पैसे लैके बंदे मार दिते आपो आदे हूँ कल आप रह गई आगू हम साढ़े कमान वाला कोई कौन गा इको पाना लभा होया इन्हों दारू तक सारे ने क्या सीगा हूँ टीके गोलियां सब कुछ वेखते हैं सरिंजा तक आप देंगे ने 20 रुपए की सरिंज तक भी आप देंगे ने भी असं सरिंज दांगे लाओ तुसी फ्री दांगे सरिंज नाल ऑफर होर। ये हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि वेदना है और प्रत्येक प्रत्येक गांव वाले के जुबान पे एक ही न करते ने दो लड़के ने दो ने नशा करते ने क्या क्या कहना चाहोगे जो नशा बेचने वाले हों बस नशा बंद करना जावे नशा बस त्याग जावे बंद हो जावे नशा ठीक है जेड़ा वेदे ने ना वे ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
इनकी जुबान पर एक ही बात है कि प्रशासन जो है सख्त से सख्त कदम उठाए और जो नशा बेचने वाले हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाया जा सके। और आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से माँ का दर्द और बाप का दर्द और एक बहन ने कितनी दिलेरी के साथ बताया कि जो नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं उनकी भी आवाज़ कुचलने का काम जो नशा बेचने वाले हैं वो कर रहे हैं। तो प्रशासन इस पर संज्ञान ले और सख्त कदम उठाए और ताकि इस तरह से आने वाली पीढ़ी को जो है बचाया जा सके क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता से लेकर ही काम क्या कर रहे हैं। ये ऑटो ऐड पर कुत्ताबड़ गांव के कुछ लोग आए हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में महिलाएं और लोग हैं, तो हमें पता चला है कि कुत्ताबड़ में कोई चरणजीत सुनो बूटा सिंह नाम का 15 साल का लड़का है, उसकी मौत हुई है। तो इनका कहना है कि नशे से मौत हुई है, हमने इनको बता दिया कि भी डेड बॉडी को जीएच में लेके जाओ, हम पोस्टमार्टम करा के जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर गांव के परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले 20 दिन पहले से ये लगे हुए हैं उनको पकड़ाने को लेकर के, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, इससे पहले हमें कोई नशा करके कोई डेड हुआ हो ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई कुत्ताबड़ की। नशा बेचने वालों के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ लगातार जब भी हमें कोई खबर मिलती है, थाने को मिलती है, CIA को मिलती है, तो लगातार धरपकड़ की जाती है। तो सर उसके बावजूद भी नशा लगातार मिल रहा है गलियों के अंदर, गांव के अंदर। तो वो तो देखो ऐसा है, नशा करने वाले नशा करते हैं और पुलिस का काम है पकड़ना। हाँ। तो ये तो चोर बिल्ली का खेल है। हाँ। पुलिस किसी भी तरीके से जो है मतलब इसमें कोता ही नहीं बरतेगी, ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे नशेड़ियों को हम सलाखों के पीछे करें। ग्रामीणों ने कहा जिसकी भी संलिप्तता हुई, ग्रामीणों ने कहा है उसको भुगतना पड़ेगा अंजाम। सर अगर उन्होंने कहा है कि जो नशा बेचने वाले हैं वो ये सरेआम कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, वो आगे जाके छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बातें बनाने वाले कोई भी बात बनाते रहे वो फ्री हैं। ठीक है, कोई अगर ऐसी बात हमारे संज्ञान में आई तो ऐसा कोई मुलाजिम अगर हुआ तो उसके खिलाफ़ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।